हेलो बच्चों, वेलकम टू एबीसीडी वर्णमाला। तो आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में ए से एल तक अल्फाबेट सीख लिए थे क्ले के साथ, और अब नेक्स्ट भी हम क्ले से ही आगे के अल्फाबेट्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्ले को रोल कर लिया है और चलिए अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट लिखते हैं। तो एल के बाद क्या आता है? एम। तो हम एम लिख लेते हैं। तो एम का शेप कैसे होता है हम बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से एम बनता है। तो ये देखिए बन गया एम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट्स बनाते हैं। एम के बाद आता है एन। तो हम बना लेते हैं एन। तो बच्चों ये बन गया एन। अब नेक्स्ट अल्फाबेट देखते हैं। तो एम एन, उसके बाद क्या आता है? ओ। तो हम बना लेते हैं ओ। ओ फॉर ऑल। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बन गया ओ। ओ का शेप बनाना तो बहुत ही इजी है। और चलिए बनाते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट पी। तो इस तरह से हम बनाएंगे पी। देखिए क्या बन गया, ये पी बन गया। अब चलिए बनाते हैं नेक्स्ट अल्फाबेट। तो पी के बाद क्या आता है? क्यू। तो हम बनाएंगे क्यू। तो जैसे हमने ओ बनाया, उसी तरह से क्यू बना लेते हैं। तो ये बन गया क्यू। अब नेक्स्ट अल्फाबेट बनाएंगे आर। इस तरह हमने पी बनाया, उसी तरह से आर बना लेते हैं। पी हमने बना लिया आर। चलिए अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट बनाते हैं एस। तो एस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तरह से हम एस बना लेंगे। ये देखिए एस बन गया। और अब एस के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? टी। तो अब हम बनाएंगे टी। टी फॉर टाइगर। तो ये बन गया टी। टी बनाना तो बहुत ही इजी है, तो हम फटाफट टी बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया टी। तो हमने कितने अल्फाबेट सीख लिए? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट सीखते हैं। तो टी के बाद आता है यू। तो अब हम बना लेते हैं यू। तो यू, ये देखिए इस तरह से रोल किया हुआ क्ले है, बस हम उसको शेप दे देते हैं यू का। तो यू का शेप इस तरह से होता है। तो हमने बना लिया यू। और अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट बनाते हैं। तो नेक्स्ट अल्फाबेट है वी। वी फॉर वैन। तो चलिए अब हम वी बना लेते हैं। क्ले और इससे बनाते हैं वी। तो ये देखिए, वी बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से वी बनेगा। ये हो गया वी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट बनाते हैं डब्लू। हमने इसे W का शेप दे दिया। तो हमारा बन गया W। और अब बनाएंगे X। X for Xmas tree। तो इस तरह से हम X बनाएंगे। ये बन गया हमारा X। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट बनाते हैं Y। तो ये हो गया। Why?
have last alphabet Z. तो चलिए अब हम Z बना लेते हैं. तो इस तरह से Z बन जाता है. ये देखिए बन गया हमारा जेड. तो बच्चों ये है जेड. हमने ए टू एल फर्स्ट वीडियो में देखा है, जो कि हमने पहले ही वो वीडियो अपलोड कर दिया है. और ये हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है, जिसमें हमने एम से जेड तक क्ले से एबीसीडी बनाना सीखे हैं. तो आप भी इसी तरह से क्ले के साथ खेलिए और खेल खेल में अल्फाबेट सीखिए. और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. हम फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखेगा, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है. आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू. बाय बाय.